खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में नगर पालिका परिषद के कार्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके की सूचना पर पहुंचे कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं पालिका में लगी आग की सूचना पर पहुंचे चेयरमैन पति सहित ईओ ने कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के चलते कड़ी फटकार लगाते हुए ईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चेयरमैन से मिली तहरीर पर आरोपी सफाई कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड की मीटिंग थी, इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे 200 रुपए दिए थे। पतंगदीप मिश्रा एक मुसलमान थे, 20 नंबर बांट के नहीं, बोर्ड की मीटिंग में शांति भंग कर बतंगा के देंगे अपने घर, नहीं पहले जय काम कर फिर तेरा वेतन निकलेगा। आग लगा दिया, मैंने आग लगा दी, 20-25 लोग थे आग, इन आग जब कोई किसी ने रोका नहीं, मैंने लगा दी जो इनके सब स्टाफ गए थे। तो नहीं पता, लेकिन ये मालूम पड़ा है कि आउटसोर्सिंग का एक लड़का है विकास, वो आया यहाँ शराब पिए हुए था हाथ में, उसके पेट्रोल भी आया, छिड़का, आग लगाई, कंप्यूटर तोड़ा, तमाम नुकसान कर दिया, तमाम फाइलें जला दी, जो कंप्यूटर का डेटा था वो भी तमाम डेटा कर्मचारियों के, जिसमें तनख्वाह का, कर्मचारी की पेंशन का, उनकी सर्विस बुक का डेटा था, वो तमाम डेटा सब उड़ गया।